अच्छा जी, सो बात हम कर रहे थे कि लास्ट वीक में, दैट वाज वीक 3 एंड वीक 4, इसके अंदर हमने बात की थी, जो टॉपिक डिस्कस हुए हुए हैं वो है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, प्रोग्राम कंट्रोल। इफ हमने डिस्कस किया था, और साथ मुझे याद पड़ता है कि हमने स्विच केस को भी डिस्कस किया था। प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल में, जैसे हमने कल लास्ट डे बात छोड़ी थी कि हमारे पास लूप्स जो हैं ये बाकी रह जाते हैं, और ये भी हमारे प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल के खाते में ही आते हैं, तो आज से हम लोग इन लूप्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। सो लूप्स में हमने जिक्र किया था कि हमारे पास लूप्स हैं फॉर, वाइल और डू वाइल। ये हमारे पास हैं तीन लूप्स। अच्छा, अब लूप बुनियादी तौर पर करता क्या है? लूप का लफ्जी मतलब क्या है? लूप का लफ्जी मतलब है कि एक ऐसा रास्ता कि जो जहां से शुरू होता है ठीक वहीं से ही उसका आगाज हो, मतलब उसका एंड ना हो। ये जैसे कि ये मैंने आपके सामने ये सब एक बनाया है, ये शेप एक बनाई है, और दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, और ये यहीं पे आके ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे शुरू हो रहा था वहीं भी ख़त्म हो रहा है। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसका स्टार्ट कहाँ पे था, एंड कहाँ पे था। तो ये एक बंद रास्ता जो है ये लूप कहलाता है, ये बंद रास्ता लूप कहलाता है। तरीकाकार कुछ इसका कुछ यूं होता है कि हम लोग एक, ये मैं इसका डायग्राम शो कर ड्रा करने लगा हूँ आप लोगों के सामने। हम लोग इस लूप को पूरा करने के लिए किसी दी जाने वाले एक्सप्रेशन को पूरा करते हैं, ये हमारा एक एक्सप्रेशन। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हो रहा है, ट्रू होने की सूरत में ये कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक हो गया, और ये परफॉर्म करने के बाद ये वापस जुड़ जाएगा इस जगह पर, ये इस पोजीशन पे। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जैसे ही ये इस बॉडी में दाखिल होगा, ये हम लोग जान चुके हैं कि ये डायमंड शेप जो है ये डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है, इफ में हमने इसको देखा था। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा अगर ट्रू हो रहा है, तो ट्रू होने की सूरत में जो काम हमने इसको कहे हैं ये वो करेगा, और वो करने के बाद ये वापस आ जाएगा इसी मुकाम पे और फिर से दोबारा चेक करेगा अपने एक्सप्रेशन को। तो आप ये देखें, अगर हम कह दें कि जी जब तक के ट्रू है तब तक ये काम करता रहे, तो ये बार बार करता जाएगा, क्योंकि ये इसका जो वापस जाना है ये इसको अपने उसी स्टार्ट पर वापस जोड़ रहा है। ये कब तक ऐसे करेगा? हम पिछले एग्जाम्पल में मैंने कहा था कि जी उसमें लूप्स फिक्स होते हैं, अगर तीन चक्कर लगाने हैं, चार चक्कर लगाने हैं, तो हम लोग फिर यहाँ पे हर एक चक्कर को गिनते हैं। तो गिनने के लिए हम लोग यहाँ पर साथ इजाफा करते हैं इंक्रीमेंट काउंटर का, ये काउंटर। ये काउंटर बेसिकली इस एक्सप्रेशन की दी जाने वाली कंडीशन के साथ मीट करता है, मैच करता है। अगर वो कंडीशन मैच कर जाती है तो वो ट्रू है, अगर वो मैच नहीं करती तो फिर वो बाहर यहाँ से निकल आएगा और ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट होगा। जब फॉल्स होगा तो आपका ये प्रोग्राम, ये लूप बेसिकली एंड हो जाएगा। ये इसका लूप का तरीकाकार है। लूप कोई सा भी हो, चाहे आपके पास लूप फॉर है, चाहे वाइल है, और चाहे ये हमारे पास डू वाइल है। सब में तकरीबन तरीकाकार जो वो एक है, वाइल का पैटर्न थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है लेकिन तरीकाकार वो भी कुछ इसी तरह से काम करता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे, हम लोग सबसे पहले फॉर लूप की बात करते हैं। एक फॉर को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं ये जहन में रखिएगा
के साथ ये काउंटर जो है ना, ये काउंटर हमें बताना ज़रूरी होता है। काउंटर जो है वो इसके इन स्टार्ट को जब एंड पे वापस मिलता है, प्रीवियस पेज पे देखें कि ये इस, चूँकि इसका ना तो स्टार्ट है ना कोई एंड है, ये जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे आके मिलके ये इसी सर्कल में घूमता रहेगा, तो हमें इसकी तादाद को गिनना पड़ेगा कि ये कितनी दफ़ा कितने चक्कर लगा चुका हुआ है। सपोज़ हम 10 चक्कर लगवाना चाहते हैं, 12 चक्कर लगवाना चाहते हैं। ये चक्कर से मुराद क्या है? चक्कर ये है कि आप एक काम को उतनी दफ़ा करवाना चाहते हैं। मिसाल हमने शायद लास्ट डे लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि मैं अगले पेज पे जाके इसको लिखता हूँ। हम लोग लाइक हेलो लिखा है हमने, ये हेलो हम लोग 10 दफ़ा प्रिंट करना चाहते हैं। तो इसका सादा सी मिसाल तो ये बनती है कि हम लोग 10 दफ़ा साइन सी आउट हेलो, सी आउट हेलो, सी आउट हेलो, हम लोग 10 दफ़ा लिखें, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि अगर हमें 100 दफ़ा प्रिंट करना पड़ता है तो उस सूरत में हमें 100 दफ़ा 100 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, जबकि लूप हमें जो है ये जरूरत देता है कि हम लोग इस एक काम को 100 दफ़ा परफॉर्म करें। काम एक ही होगा यानी लिखा एक ही दफ़ा जाएगा, लेकिन वो 100 दफ़ा उसको प्रिंट करेगा। तो तरीक़ाकार इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं फॉर लूप की बात करने लगा हूँ। हम लोग फॉर स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट शुरू हो जाती है और हम लोग देते हैं इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू फिर हम लोग देते हैं, ये सेमी कॉलन है यहाँ पर, ये याद रखिएगा, ये सेमी कॉलन है। फिर हम लोग देते हैं इसको अपना एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन से क्या मतलब है? एक्सप्रेशन से मतलब है कि वो शर्त हमारी क्या है जिसको ये इनिशियल वैल्यू मीट करेगी। इसके फौरन बाद फिर से हम लोग सेमी कॉलन लगाते हैं और फिर हम लोग लिखेंगे इसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। मैं ये हेलो जो पोर्शन है ये आगे से ज़रा रेज कर लूँ, ये वाला। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, अच्छा जी। सो ये हमारी इनिशियल वैल्यू है, ये हमारी शर्त है, और इनिशियल वैल्यू से शर्त तक पहुंचने के लिए हम लोग इंक्रीमेंट यहाँ पर दे रहे हैं या डिक्रीमेंट दे रहे हैं। अच्छा जी, ये पूरे का पूरा सेंटेक्स है। उसके बाद हम लोग इसकी बॉडी शुरू करते हैं। ये हमारी बॉडी, इसमें एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि जब तक ये स्टेटमेंट, ये एक्सप्रेशन ट्रू रहेगा तब तक ये स्टेटमेंट्स यहाँ पर एग्जीक्यूट होती रहेंगी। लाइक हमने कहा था 100 दफ़ा हमने प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, तो हम लोग लिखते हैं सी आउट, और यहाँ पे हमने लिख दिया हेलो। ले जी, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये जो स्टेटमेंट है, जब ये इस ब्रैकेट के अंदर लिखी जाएगी, फॉर की बॉडी के अंदर, ये ब्रैकेट बॉडी को शुरू कर रही है, ये इस बॉडी को क्लोज करेगी, ये इतना एरिया फॉर का ये बॉडी कहलाएगा इस लूप का। तो जो कुछ इसके अंदर लिखा जाएगा वो गोया एक स्टेटमेंट है, वो चाहे दो स्टेटमेंट्स हैं, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो उनको उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल, ये तो था इसका सेंटेक्स। अब इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं। सो एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल में जी हमारे पास है, हम लोग लिखते हैं लेट से इनिशियल वैल्यू। सबसे पहले हम लोग फॉर, लेट से इनिशियल वैल्यू हम लोग करते हैं इंट। अब इंट से आपको पता लग गया कि हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। हम लोग इंट कहते हैं इंट आई, आई हमारा एक वेरिएबल है और इनिशियल वैल्यू है इसकी 0। हमने इन डिक्लेरेशन के साथ ही इनिशियलाइजेशन कर दिया है और ये हमने यहाँ पर दे दिया इसको सेमी कॉलन। सेमी कॉलन के बाद अगला स्टेटमेंट हमने इसको बताया कि इसको हम लोग आई को उतनी देर तक चलाना चाहते हैं जब तक के विच इज़ लेस देन आर इक्वल टू, पिछली स्टेटमेंट हमने कही थी 100, ये उतनी देर तक चले जब तक के आई की वैल्यू 100 से छोटी या उसके बराबर ना हो। अच्छा, उसके बाद इनिशियल वैल्यू जो है वो हमारी 0 है। 0 वैल्यू से 100 की तरफ अगर जाना है तो हमें इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट देने लगा हूँ। इंक्रीमेंट की हम लोग बात करते हैं। इंक्रीमेंट है जी हमारे पास आई प्लस प्लस,
और मुझे उम्मीद है कि आप इस स्टेटमेंट को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, आई प्लस प्लस क्या करेगा। जी, इस स्टेटमेंट में आपको कोई कन्फ्यूजन। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब करना क्या चाहते हैं, हम करना ये चाहते हैं, हमने लिखा सी आउट, सी आउट, और ये हमने सी आउट स्टेटमेंट हमारी होगी। और यहाँ पे हमने कहा कि जी हम लोग हेलो को 100 दफ़ा प्रिंट करना चाहते हैं, एच ई डबल एल ओ, हेलो वर्ड। ये स्टेटमेंट है हमारी जिसको कि हम लोग 100 दफ़ा प्रिंट करना चाहते हैं। अब तरतीब क्या चलेगी इसकी, तरतीब ज़रा देखिएगा, मैं इसको ड्रॉ करने लगूँ, इसका जो ये मेरा पूरा तरीक़ाकार है, आप ज़रा तवज्जो करिएगा। हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ, प्रोग्राम शुरू होने के बाद हमने ये अपना, ये हमारी पहली वैल्यू है, हमने इसको इनिशियल वैल्यू दी, इनिशियल वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई विच इज़ आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और उसके बाद हमने इसको अपनी पैमाइश में डाल दिया, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, एक्सप्रेशन है जी हमारे पास के आई आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, सॉरी लेस देन आर इक्वल टू 100। अगर स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो, अगर स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो तो फिर ये इसको प्रिंट करें। प्रिंट के लिए राउंडेड रेक्टेंगल हम लोग यूज करते हैं, ये प्रिंट करें हेलो जो भी हमने प्रिंट करना है। और प्रिंट करने के बाद ये वापस, प्रिंट करने के बाद ये वापस यहाँ पर आए, ये यहाँ पे, और इधर वो इंक्रीमेंट करें एक आई प्लस प्लस, और प्लस प्लस करने के बाद ये इसको इधर मिला दें, ये ठीक हो गया। अच्छा, अब पहली दफ़ा आई में क्या है, ज़ीरो 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 चेक करेगा, ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ट्रू होने की सूरत में ये आपके पास यहाँ पर आ गया, प्रिंट किया इसने, प्रिंट करने के बाद ये वापस इधर पहुँचा, इधर आई प्लस प्लस किया, आई प्लस प्लस आप जानते हैं कि आई में एक का इजाफा करेगा, टू हो गया, टू को चेक करेगा लेस देन 100 है, फिर प्रिंट करेगा, फिर थ्री होगा लेस देन 100 है, ये सर्कल आप पे चलना शुरू हो जाएगा जब तक के आई की वैल्यू 100 के बराबर ना हो। सो ये पहुंचा 99 तक, 99 प्रिंट किया, इंक्रीमेंट किया 10, 100 हो गया, 100 होने के बाद ये वापस यहाँ पर आया, आई की वैल्यू इज़ लेस देन आर इक्वल टू 100, ट्रू है, प्रिंट किया, वापस ऊपर गया, आई की वैल्यू हो गई 101। जब ये 101 हो के वापस यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। जब ये फॉल्स होगी तो फॉल्स होने के बाद ये आपके पास आपके इस बॉडी से निकल जाएगा और निकल के ये आपको बाकी डेटा प्रिंट कर देगा। दैट हम लोग लिख देते हैं एंड ऑफ लूप, एंड ऑफ लूप। तो इधर हम लोग सी आउट कर देते हैं, सी आउट करें, ये हमने सी आउट किया, और इधर लिखते हैं एंड ऑफ लूप लीजिए, ये हमारे पास एंड ऑफ लूप हो गया जो इधर आके प्रिंट हो रहा है। कब प्रिंट होगा, जब हमारी लूप ये फॉल्स होगा। अभी हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ पर लगाया, बाकी सारा काम हमारा इसके अंदर ये परफॉर्म हो रहा है। ये है इसका तरीक़ाकार और ये किस तरह से काम करेगा। कोई सवाल हो आप लोगों के पास पूछने के लिए। ओके, अब इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक और लूप का इजाफा यहाँ पर करूँगा। वाइल यही काम है जो हमने फार के साथ किया था, लेकिन तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। सो वाइल लूप हम लोग यहाँ पर देखने लगे हैं, वाइल, ये वाइल लूप है हमारा सिंपल। तरीक़ाकार इसका क्या है, सेंटेक्स इसका ज़रा गौर से देख लीजिएगा, सेंटेक्स है इसका वाइल, वाइल के बाद एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन के बाद ये आपकी वाइल की बॉडी शुरू हो गई है। ये पूरी की पूरी इसकी बॉडी है, ये सारी की सारी, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर देना है। ये इसका सिंपल सा पैटर्न है ये वाइल का। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसका ट्रू और फॉल्स होना ज़रूरी है। ट्रू कब होगा, जब ये आपका एक्सप्रेशन आपकी इस एक्सप्रेशन पे पूरा उतरे तो ये ट्रू कंसिडर होगा, और जब ये फॉल्स होगा तो ये इस बॉडी से निकल के यहाँ पर नीचे आ जाएगा,
ये इसका सेंटेक्स है। अगर इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल कुछ यूँ हम लोग लिखते हैं, वही जो काम हमने फॉर के साथ किया है वो हम लोग अब वाइल के साथ करते हैं। तो हमने कहा वाइल इनिशियल वैल्यू दे देते हैं, इनिशियल वैल्यू हमें अलहदा से मैंशन करनी पड़ेगी, इंट आई विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और वाइल में हम लोग मैंशन कर देते हैं कि आई की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 100 रहेगी हमेशा। इसकी बॉडी शुरू हुई, हमने कहा सी आउट, और इधर हम लोग डबल कोटेशंस में दे देते हैं हेलो, ये जी हमने हेलो वर्ड लिख दिया, और आखिर पे इसको हैंडल कर दें, सेमीकोलन लग गया। और इनिशियल वैल्यू को इस वैल्यू तक पहुंचाने के लिए हमें इंक्रीमेंट देना पड़ेगा आई प्लस प्लस, ले जी ये भी हमने बता दिया, सेमी कॉलन यहाँ पर लगाया और ये बॉडी हमारी क्लोज हो गई। अब ये काम वही कुछ है जो अभी हमने फॉर लूप के साथ किया था, ये ज़रा देखिएगा इसमें तरीकाकार कुछ यूँ है, सारा कुछ हमें इनिशियल वैल्यू भी यहाँ पर देनी पड़ेगी, एक्सप्रेशन भी यहीं भी देना पड़ेगा, इंक्रीमेंट भी यहीं भी देना पड़ेगा। जबकि वाइल में ऐसा नहीं होता, वाइल में इनिशियल वैल्यू अलहदा जगह पर है, एक्सप्रेशन अलहदा जगह पर है, और इंक्रीमेंट जो है वो आपकी बॉडी के अंदर लिखा जाएगा। ये आपके दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों लूप्स काम सेम करेंगे, लेकिन जो इनका लिखने का स्टाइल है, लिखने का अंदाज है, वो थोड़ा मुख्तलिफ है। ऐड करते हैं इसमें एक तीसरा लूप, और ये तीसरा लूप हमारे पास जो है ये बेसिकली डू वाइल का है। डू वाइल इनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा मुख्तलिफ किस हवाले से, ये इसको हम लोग अभी देखते हैं। पहले इसका लिखने का अंदाज़ ज़रा देख लें, लिखने का अंदाज इसका है हम लोग लिखते हैं डू और बॉडी शुरू, डू और बॉडी शुरू, लूप बॉडी, और ये बॉडी यहाँ पर ख़त्म हो गई, और ठीक जहाँ पर ये ख़त्म हो रही है यहां पर हम लोग लिखते हैं वाइल, और इधर हमारा एक्सप्रेशन ले जी, और इधर इधर सेमी कोलन हमारा लग गया। अच्छा अब ये याद रखिएगा, इधर एक्सप्रेशन बिल्कुल आखिर पे लिखा जा रहा है, वाइल में एक्सप्रेशन जो है वो पहले लिखा जाता है ये, और फॉर में एक्सप्रेशन जो है ये दरमियान में साथ ही मेंशन किया जाता है, तीनों में लिखने का स्टाइल थोड़ा मुख्तलिफ है। अच्छा अब होगा क्या, होगा ये कि जब हम लोग इस बॉडी को, इस लूप को रन करेंगे, तो रन में क्या होगा, डू करे, ये सारा कुछ डू करे, और डू करने के बाद एक दफ़ा ये सारा काम हो जाएगा, ये सारा एक दफ़ा काम हो जाएगा, फिर ये चेक करेगा कि आपका एक्सप्रेशन मैच कर रहा है, अगर एक्सप्रेशन मैच कर रहा है तो ये वापस इसको यहाँ पर ऊपर डू पर भेज देगा, और फिर ये लूप चलना शुरू हो जाएगा। ये इसका सारे का सारा तरीकाकार है। अगर आप इसको, इसका फ्लो चार्ट की हम लोग यहाँ पर बात करना चाहें, तो फ्लो चार्ट इसका कुछ इस तरह से है कि ये हमारा बॉडी शुरू हुई, हमने यहाँ पर आपके लूप के स्टेटमेंट्स लिखे, ये आपकी लूप बॉडी है, और फिर आपके पास यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के ट्रू होने की सूरत में ये वापस यहाँ पर चला जाएगा, और फॉल्स होने की सूरत में ये यहाँ पे आगे चला जाएगा, ये फॉल्स, ठीक है। अब एक चीज़ जो नोट करने वाली है, वो नोट करने वाली ये है कि जो बाकी और इसमें फ़र्क है वो ये, पिछले आप फ्लो चार्ट इसमें देखें कि आई की वैल्यू इस वक्त क्या है, ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो आपकी इस शर्त में पूरा उतर रहा है, पहले शर्त आपकी चेक हो रही है, प्रिंटिंग बाद में हो रही है। अज्यूम कर लें कि अगर आई में वैल्यू हमारे पास, आई की वैल्यू जो है हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, अगर ये ऑलरेडी 101 है तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, फॉल्स होने की सूरत में ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा और ये डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा एंड ऑफ लूप पे। यही सिनेरियो आपके पास एक्स वाइल के साथ भी होगा कि अगर आई की इनिशियल वैल्यू हम लोग 101 रख लेते हैं, तो
तो आपकी ये शर्त बिल्कुल वहीं पे फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स होने के बाद ये फौरन इस बॉडी से निकल के बॉडी के अंदर जाएगा नहीं, जो बाद अगर स्टेटमेंट है वो रन करेगा। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें कि अगर हम लोग वही काम इसमें करते हैं, मैं एग्जांपल इसकी लिखता हूँ, हमने एग्जांपल है जी लिखी डू ब्रैकेट शुरू सी आउट हेलो जी सर, और यहाँ पे इंक्रीमेंट दे दिया, इनिशियल वैल्यू दे देते हैं int i इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर हम इसको इनिशियल वैल्यू दे देते हैं, इनिशियल इंक्रीमेंट दे देते हैं कि i प्लस प्लस, और बॉडी क्लोज हो गई। और इधर हम लोग एक्सप्रेशन दे देते हैं वाइल इसकी आ गई, ये यहाँ पे लिखा जाएगा i इज लेस देन आर इक्वल टू 100। लो जी, अब ज़रा गौर करिएगा, आई में इस वक्त इनिशियल वैल्यू ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो को ये आई इस वक्त ज़ीरो है, जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो आई में वन हो जाएगा, इसको चेक करेगा लेस देन ज़ीरो है, ये वाइल इसको वापस ऊपर भेजेगा इस डू पे, इस पे नहीं इस डू पे भेजेगा, डू पे भेजेगा, और फिर ये सारा काम हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो गई, ये चलता जाएगा। अज्यूम कर लेते हैं इसका वर्स्ट केस सिनेरियो कि आई में पहले ही 101 वैल्यू पड़ी हुई है, 101 वैल्यू की सूरत में आई में हमने 101 स्टोर कर दिया। अब क्या होगा, अब ये सबसे पहले यहाँ पर डू करेगा, हेलो प्रिंट करेगा, इसमें इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करके आई में वैल्यू 102 हो जाएगी। जब ये 102 हो जाएगी यहाँ पर इसको चेक करेगा कंडीशन फॉल्स है, तो ये इसको वापस ऊपर नहीं भेजेगा, कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में ये इसको शिफ्ट कर देगा नीचे की सूरत में, लेकिन कम अज़ कम एक दफ़ा ये इस बॉडी को ज़रूर एग्जीक्यूट करेगा, कम अज़ कम एक दफ़ा आपकी लूप की बॉडी ज़रूर चलेगी, चाहे कंडीशन ट्रू हो रही है या कंडीशन फॉल्स हो रही है। जबकि वाइल में और फार में यही फ़र्क है कि यहाँ पर अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये बॉडी आगे बॉडी में भी नहीं जाएगा, जबकि डू वाइल में एक दफ़ा बॉडी ज़रूर रन होती है। तो तीनों में आपके लूप्स में ये फ़र्क है कि डू वाइल हम लोग वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम चाहें कि हमारा जो कोड है वो एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर चले, जी कोड जो है एक दफ़ा कम अज़ कम ज़रूर चलना चाहिए, तो हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें पता है कि हमने कितने सर्कल कितनी दफ़ा लूप चलाना है, यानी अगर जो एक्सप्रेशन या इसकी लास्ट जो वैल्यू है इसकी इटरेशंस, मैं इसको टर्म बोलूँगा कि जो बार बार जो रिपीट होना है वाइल और फार, फार हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अगर हमारे पास नॉन इटरेशंस हैं, यानी हमें पता है कि हम लोग 10 दफ़ा चलाना चाहते हैं 20 दफ़ा चलाना चाहते हैं, अगर हमारे पास हमें पता है कितनी दफ़ा हमने रन करना है हमें पता है, तो फिर हम लोग फार लूप का इस्तेमाल करेंगे। और वाइल हम लोग वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर अन नॉन इटरेशंस हों, अगर इटरेशन नॉन है तो हम लोग फॉर यूज़ करेंगे, अगर इटरेशन अननोन है तो हम लोग वाइल यूज़ करेंगे। या अननोन का मतलब अब रियल टाइम सिनेरियो, कोई एग्जांपल मुझे देगा कि अगर कहाँ पे कंडीशंस हमारी नॉन है, इटरेशन नॉन होती है और कहाँ पे अननोन होती है।